सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम टेस्ट सीरीज को क्लीन स्वीप से जीते तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच में चल रही टेस्ट सीरीज आखिरकार अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच ही चुकी है। आपको बता दें कि दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में भारतीय टीम की बल्लेबाजी घोषित हो चुकी है, जिसमें भारतीय टीम ने टोटल 468 रन बनाए, जिसका मतलब वेस्टइंडीज की टीम को जीतने के लिए इस मुकाबले में 469 रनों की दरकार थी। दूसरी पारी में इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने तीसरे दिन के खेल के खत्म होने तक 45 रन दो विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं। अब जिस तरीके से भारतीय टीम की गेंदबाजी अब तक चल रही है, उससे तो यही आंका जा रहा है कि टीम बड़ी आसानी से इस मुकाबले को चौथे दिन के खेल में जीत जाएगी। अगर टीम इस मुकाबले को जीत जाती है तो यह एक ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि भारतीय टीम टेस्ट सीरीज को भी क्लीन स्वीप से जीतेगी। और अगर आप इस चौथे दिन के खेल को लाइव देखना चाहते हैं तो आप सभी सोनी लिव के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप इस मुकाबले को टीवी पर लाइव देखना चाहते हैं तो आप सभी Sony 10-1 व Sony 10-3 के चैनल्स पर इस मुकाबले को लाइव देख पाएंगे। अब दोस्तों, चलिए फटाफट से नजर डाल लेते हैं इस टेस्ट मैच के हाल पर। सबसे पहली इनिंग में भारतीय टीम ने बल्लेबाजी करी। टीम की शुरुआत उतनी ज्यादा अच्छी तो नहीं रही, लेकिन फिर आगे चलकर हनुमा विहारी ने अपनी पारी में शतक जड़ा तो वहीं कप्तान विराट कोहली ने 76 रन जड़ दिए। साथ ही ईशान शर्मा ने भी एक अर्धशतकीय पारी खेली, जिसके चलते भारतीय टीम पहली इनिंग्स में ही 416 रनों तक पहुंच गई। दूसरे दिन के खेल में ही इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम की बल्लेबाजी बेहद ही खराब रही, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने तो गेंदबाजी में तूफान ही लाकर रख दिया। न सिर्फ उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली हैट्रिक ली, की पहली इनिंग में भारतीय टीम की गेंदबाजी की तरफ से उन्होंने अकेले ही अपने नाम 6 सबसे बड़े विकेट भी कर लिए। इतनी शानदार गेंदबाजी के आगे वेस्टइंडीज की टीम के खिलाड़ी कहां ज्यादा देर टिक पाते। पूरी की पूरी वेस्टइंडीज की टीम महज 117 रनों पर ऑल आउट हो गई। पहली इनिंग में वेस्टइंडीज की टीम के 117 रनों पर ऑल आउट होने के बाद भारतीय टीम के पास 299 रनों की बड़ी लीड बची हुई थी। कप्तान विराट कोहली चाहते तो फॉलो ऑन देकर वेस्टइंडीज की टीम को एक बार फिर से बल्लेबाजी का न्योता दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भारतीय टीम दूसरी इनिंग्स में भी बल्लेबाजी करने के लिए उतरी। शुरुआत तो इस बार भी अच्छी नहीं रही, लेकिन फिर आगे चलकर अजिंक्य रहाणे ने 64 तो वहीं हनुमा विहारी ने 53 रनों की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेल दी। अब इन दोनों ही खिलाड़ियों की इतनी धाकड़ बल्लेबाजी के चलते टीम का स्कोर 468 तक पहुंच गया। वेस्टइंडीज की टीम को लक्ष्य मिला तो 469 रनों का। कप्तान विराट कोहली ने फिर भारतीय टीम की बल्लेबाजी को दूसरी इनिंग्स में घोषित कर दिया। अब वेस्टइंडीज की टीम को लक्ष्य मिला 469 रनों का। इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम पहले से ही दबाव में थी, और दबाव का फायदा पूरी तरीके से उठाया भारतीय टीम के गेंदबाजों ने। दोस्तों, तीसरे दिन के खेल में भारतीय टीम के गेंदबाजों के खिलाफ बाउंड्री लगाना तो दूर, शॉट्स लगाने भी काफी मुश्किल हो रहे थे। शायद इसीलिए वेस्टइंडीज की टीम ने 13 ओवर खेलकर 45 रन ही अपने खाते में जुटाए और दो सबसे बड़े विकेट भी गंवा दिए। चौथे दिन के खेल में भारतीय टीम इस खेल को जीतने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। गेंदबाजी में वेस्टइंडीज की टीम के सामने होंगे मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह व ईशान शर्मा जैसे धाकड़ गेंदबाज। भारतीय टीम 90% इस मुकाबले को जीत ही चुकी है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह की इतनी शानदार गेंदबाजी को इस पूरी सीरीज में आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।